subscribe our channel VTV Odia and don't forget to press bell icon. जब डीजल पेट्रोल बढ़ता है तो सब चीजों की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन एक तो केंद्र सरकार ने किसान विरोधी जो तीन कानून लेकर आए थे उससे लोगों की कमर तोड़ने का काम किया। आज महीनों निकल गए, लेकिन 7 महीने हो गए, किसान आज भी तड़प रहा है, सड़कों पर है, दुखी है, हर राज्य का किसान आंदोलित है। उस किसान की कमर तोड़ने के साथ साथ उसकी जेब पर डाका डाला गया, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। जवाब हम मांगते हैं, आप सब जानते हो कि जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। आगे सुन लीजिए, जब यूपी की सरकार था तो आखिरी के 3 वर्ष 2011 से 2014 जो अंतर्राष्ट्रीय दाम है पेट्रोल डीजल का वो $108 प्रति बैरल, पिछले 3 साल 2011 से 2014 उस समय पेट्रोल का 71 रुपये और डीजल का 57 रुपये। आज क्रूड ऑयल की जो कीमत है 45 पहुंच गई थी और आज उससे बहुत कम है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है और साथ में सब जानते हो जब अर्थव्यवस्था मंदी बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, जब डिमांड कम है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिर रहा तो क्या कारण है कि उसका जो फायदा है वो आप आम नागरिक तक नहीं पहुंचा रहे हैं। एक जन कल्याणकारी सरकार होती तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरे हुए दामों का सारा लाभ जनता को पहुंचा।